शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है, आज से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि 42,000 शिक्षकों का चयन बिहार में किया गया, जिन्हें 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के तुरंत बाद उन्हें स्कूलों में योगदान देना होगा। वहीं सत्यापन हुए अभ्यर्थियों को वेतन भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, जबकि बिना सत्यापन वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को वेतन का भुगतान जांच के बाद ही किया जाएगा। 42,000 प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। सबसे अधिक दरभंगा में 4,794 शिक्षकों की नियुक्ति, मुजफ्फरपुर में 2,429, समस्तीपुर में 2,017 शिक्षकों की नियुक्ति, नालंदा में 1,787, पश्चिमी चंपारण में 1,536, बांका में 15 अभ्यर्थियों की नियुक्ति, गया में 1,466, औरंगाबाद में 1,485, पटना में 1,240 अभ्यर्थियों की नियुक्ति, भोजपुर में 1,402, मधुबनी में 1,342, रोहतास में 1,361, भागलपुर में 1,381 अभ्यर्थियों की नियुक्ति, बेगूसराय में 1,280, मधेपुरा में 1,160, पूर्णिया में 1,120, वैशाली में 1,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति, सीतामढ़ी में 1,148, लखीसराय में 119 अभ्यर्थियों की नियुक्ति। और इसी के साथ अब सभी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। देवघर में जसीडीह सीमावर्ती क्षेत्र के खोरीपाना गांव के समीप कल्याण छात्रावास के बिहार के छात्रों को हटाने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। छात्रों ने देवघर चकाई मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं जाम में फंसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों की मांग है कि जिला प्रशासन की ओर से खाली कराए गए छात्रावास में फिर से रहने के लिए दिया जाए। जाम के दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के एक मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना की जानकारी जसीडीह पुलिस को मिलने पर इंस्पेक्टर विक्रम प्रताप सिंह, ASI फयाज अहमद खान पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। बता दें कि वहीं सीमावर्ती बिहार के चंद्र मंडी व जसीडीह थाना पुलिस के काफी प्रयास के बाद जाम हटाया गया। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि आदिवासी कल्याण छात्रावास में नियमों का अनुपालन करते हुए छात्रों को छात्रावास उपलब्ध कराया जाए। इसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की थी। वहीं जिला प्रशासन ने छात्रावास में अवैध रूप से बिहार के 60 से अधिक छात्रों को छात्रावास खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस दिए जाने के बावजूद बिहार के छात्र छात्रावास में डटे रहे। बीते 2 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन की मदद से उक्त छात्रावास को खाली करा दिया। इस निर्णय के आलोक में आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर दिया था। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में कई दिनों तक चले मुठभेड़ के बाद लातेहार में पुलिस ने कई जगहों पर नक्सलियों के पोस्टर्स लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा और नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। पुलिस को शक है कि जंगल से भागकर नक्सली लातेहार में आए हैं। पोस्टर में जिन 2 बड़े नक्सलियों का जिक्र किया गया है, उसमें नक्सली प्रदीप चेरो और सुदर्शन भुई और भारती का नाम शामिल है। बेगूसराय में ऑटो पलटने से एक अवृद्ध यात्री की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना त्याय थाना क्षेत्र के त्याय गांव के निकट की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेगड़ा के बनवारीपुर गांव जा रही टेम्पो त्याय गांव के निकट सामने से बाइक से चकमा खाकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 4 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए, जबकि बनवारीपुर गांव निवासी 72 वर्षीय दरभंगी मलिक की गंभीर हालत में सदर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार में शराब माफिया और कारोबारियों की खैर नहीं है। मद्य निषेध विभाग लगातार खुद को हाईटेक कर रहा है। आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर मशीन ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर भी विभाग के बेड़े में शामिल हुआ है। जी हां, आपने सही सुना है, तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर से दियारा इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर से गंगा नदी को बक्सर से कटिहार तक निरंतर सर्वेलांस और मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस आधुनिक हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्पॉट डिटेक्शन करने के बाद उत्पाद और पुलिस टीम तुरंत रेड करके भट्टियों को ध्वस्त कर सकती है। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 4 लोगों की बैठने की सुविधा होती है, जिसमें एक जियोपैसियल के इंजीनियर, उत्पाद विभाग की टीम और डिटेक्शन एक्सपर्ट बैठकर वीडियो मॉनिटरिंग करते हैं। यह हेलीकॉप्टर दिन में 6 से 7 घंटे तक लगातार ऑपरेशन कर सकता है, साथ ही साथ रियल टाइम में अवैध चीजों को डिटेक्ट भी कर सकती है। हेलीकॉप्टर से शराब माफियाओं पर कैसे कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों ने इसकी जानकारी CM नीतीश को दी है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा के साथ 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अस्वस्थ होने के कारण लालू यादव अभी रिम्स में भर्ती है, वो हार्ट की समस्या से भी ग्रसित है। ऐसे में मेडिकल बोर्ड की टीम ने लालू प्रसाद यादव का इको कार्डियोग्राफी करवाया है। पेइंग वार्ड से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लालू को कार्डियोलॉजी बिल्डिंग लाया गया, जहां ECG और इको जांच किया गया। यहां से फिर दांत दर्द की परेशानी से जूझ रहे लालू को डेंटल विभाग में जांच की गई। डॉक्टरों के अनुसार इस उम्र में उनके हार्ट की स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। फिलहाल हार्ट में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हार्ट की पंपिंग सही से हो रही है। इसके अलावा लालू प्रसाद
प्रसाद यादव को दांत दर्द की परेशानी थी। दाहिने तरफ से निचले हिस्से के दांत में कैविटी है, जिसको लेकर आज रूट केनाल ट्रीटमेंट यानी RCT कराया जाएगा। लोहरदगा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में विगत दिनों मारा गया नक्सली दिनेश नागेशिया है। सूत्रों की माने तो नक्सली की पहचान हो चुकी है, हालांकि स्वजन अब तक खुले तौर पर यह कहने को तैयार नहीं है कि मारा गया नक्सली दिनेश नागेशिया और फराजदेव नागेशिया ही है। भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली और एक अल्लाह के नामी दिनेश नागेशिया और फराजदेव नागेशिया के स्वजनों को जब सदर अस्पताल में शव की पहचान को लेकर बुलाया गया था तो वहां पर स्वजनों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया था। अब कहा जा रहा है कि स्वजनों ने ऐसा भय के कारण किया था। पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो यह शव दिनेश नागेशिया का है, हालांकि DNA सैंपल के आधार पर जल्दी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर ली जाएगी। झारखंड पुलिस CRPF कोबरा बटालियन और लातेहार और लोहरदगा जिले के जंगलों में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया। 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चले इस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस दौरान जहां 10 लाख के नामी नक्सली समेत 9 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में विस्फोटक नक्सली साहित्य वर्दी 3,27,000 रुपये अमेरिकन ऑटोमेटिक राइफल कार्बाइन इंसास 315 बोर का राइफल 1678 गोली और दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं बरामद की गई। गिरफ्तार नक्सलियों में 10 लाख इनामी जोनल कमांडर बलराम उराव, सब जोनल कमांडर दशरथ सिंह खेरवार, एरिया कमांडर मार्केश नगेशिया और 6 अन्य सेल सदस्य शामिल है। जिले में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को देखते हुए SSP M तमिलवानन ने खुद कमान संभाल ली है। अब सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे स्पेशल एंटी क्राइम चेकिंग की जाएगी। आज से सभी थाना इलाके में यह चेकिंग शुरू कर दिया गया है। देर रात को सड़क पर निकले SSP, CTSP और ग्रामीण SP ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर और थाने और क्षेत्रों में चेकिंग की। SSP ने क्राइम कंट्रोल को लेकर अपनी नई रणनीति बनाई है। अब शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस तैनात रहेगी। SSP का कहना है कि 2 साल से पुलिस कोविड चेकिंग में लगी थी, अब उसे फ्री कर दिया गया है। अब उन जवानों को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलिंग लगाया जा रहा है। वैसे बड़े बड़े व्यापारी और दुकान के बाहर पुलिस को तैनात किया जाएगा, जिससे क्राइम पर अंकुश लग सके। साथ ही खुफिया तंत्र को मजबूत कर CCTV कैमरा को भी दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। गढ़वा के स्थानीय विधायक सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने BJP के पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। गढ़वा न्यायालय पहुंचकर मिथिलेश ठाकुर ने खुद से यह मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे एवं मेरे परिवार पर टिप्पणी की है। हमने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। हमें लगा कि वो माफी मांगने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में मैंने मानहानि का केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करिए, प्रतिशोध मत करिए। वहीं इस मसले पर BJP के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि मैंने जो आरोप लगाया है, आज भी अपने बयान पर अड़िग हूँ। मैंने ये आरोप लगाया कि मंत्री के भाई योजनाओं में 7% की कमीशन लेते हैं, खुद बालू के कारोबार में संलिप्त है। गिरडी के पचम्बा थाना इलाके के शिवपुरी मोहल्ले में चोरों ने एक घर में दिन दहाड़े भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहां चोरों ने विजय वर्णवाल नाम के शख्स के घर में ताला तोड़कर करीब 4 लाख के जेवरात समेत 80,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की इस घटना के बाद पचम्बा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। इस मामले में पीड़ित ने बताया कि घर में परिवार के कई सदस्य भी रहते हैं, लेकिन सभी दिल्ली गए हुए हैं। फिलहाल घर पर वो अकेले रह रहे हैं, लेकिन काम से कहीं बाहर जाने पर जब वो लौटे तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। फिलहाल जानकारी के बाद पचम्बा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच पटना से आई मद्य निषेध की टीम और बेगूसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मैजिक से 50 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने मैजिक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के हर हर महादेव चौक के निकट NH 31 पर टेंट पंडाल के सामान के बीच मैजिक वाहन से शराब की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर पिकअप वाहन को जब्त किया। गिरफ्तार चालक की पहचान नया गांव थाना क्षेत्र के संजय झा के पुत्र मिट्ठू कुमार के रूप में की गई है। मोतिहारी में विधान परिषद चुनाव की तैयारी कर रहे महेश्वर सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उन्हें विधान परिषद चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में दूसरे प्रत्याशी को पार्टी ने समर्थन दे दिया, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि सभी दलों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महेश्वर सिंह अपने आप में एक पहचान है। बगा में विद्युत विभाग ने 100 से ज्यादा उपभोक्ताओं को
के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें 45 लोगों पर सर्टिफिकेट केस और 42 लोगों पर बिजली चोरी का आरोप लगाया गया है। बिजली बिल बकायेदारों से भुगतान का वसूली के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग बिजली बिल जमा करने को तैयार नहीं है। कार्यपालक अभियंता रमेश कुमार ने बताया कि जांच के दौरान 42 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया है और 45 लोगों को नोटिस दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भुगतान नहीं किया। कोरोना की तीसरी लहर में स्थगित सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान हुआ, जिसमें मंत्रियों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद 1,60,00,000 लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी है। राज्य की महिलाएं कानून से खुश हैं और शराबबंदी होने से पर्यटकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। दावा है कि 2016 के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई।